आज हम ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के साथ आपके पास प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला है। कपड़े और जूतों से लेकर घरेलू ज़रूरतों तक सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है और आप दिन के किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग में एक दुकान से दूसरे दुकान पर जाना थकाऊ और समय लेने वाला हो सकता है। कभी कभी आप एक ड्रेस की तलाश में घंटों घूमते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर एक्सक्लूसिव डील्स मिलते हैं, जबकि ऑफलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट और ऑफर केवल थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं। आपको शायद किसी आइटम पर उतनी बड़ी छूट नहीं मिलेगी जितनी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कपड़े की जांच करना कठिन है। आपको वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोडक्ट डिटेल पर बहुत अधिक निर्भर रहना होगा। वही ऑफलाइन खरीदारी करते समय आप जांच करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वह आपके पसंद से अनुकूल है या नहीं। आप प्रोडक्ट्स पर खरीदने से पहले उसका बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे अधिक परेशानी करने वाले हिस्सों में से एक डिलीवरी की प्रतीक्षा करना है। डिलीवरी प्रोसेस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और मौसम, डैमेज्ड प्रोडक्ट और बहुत कुछ जैसे कई कारक हैं जो देरी का कारण बन सकते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग में आपको आइटम डिलीवरी करने के लिए दिनों या हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप कुछ चुनते हैं तो आप उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप ड्रेसेस खरीद रहे हैं तो उसे आजमा नहीं सकते, इसलिए साइज और फिटिंग की समस्या हो सकती है। फिर लौटाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन क्या होगा अगर आप फिर से गलत साइज प्राप्त करते हैं तो? वही ऑफलाइन शॉपिंग में दुकान में जाने और नए कपड़े को आजमाने की खुशी जैसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी खरीदारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप स्टोर पर जाके इसे बदल सकते हैं। डिलीवरी वाले को इसे लेने और कुछ दिनों बाद आइटम लाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। साइबर क्राइम बढ़ने के साथ आप वास्तव में इंटरनेट पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स का दुरुपयोग होने का जोखिम है। ऑफलाइन खरीदारी के साथ आपको ऑनलाइन कंपनियों के ईमेल मैसेजेस के लगातार स्पैम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेसी रख सकते हैं।